नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे नहीं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लाएँ आपके लिए भिंडी की रेसिपी। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। जब कभी आपका दाल बनाने का मन ना हो या भिंडी की सब्जी बनाने का ना मन हो तो आप ये रेसिपी बना सकते हो। बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी सबको और सबको बहुत पसंद आएगी। तो देखिए, मैंने 100 ग्राम ताज़ी भिंडी ली हुई है, तो इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इनको कट कर लेते हैं और बीच में आप चेक करते रहें कहीं इसमें कीड़े तो नहीं है। वैसे आजकल भिंडी में कीड़े नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आप सावधानी से काटें। तो मैंने देखिए कुछ इस तरीके से बड़े बड़े टुकड़े कर लिए हैं, बहुत छोटे टुकड़े नहीं करने हैं और ये फटाफट हो जाते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की ओर। तो इसके लिए मैंने देखिए एक प्याज लिया हुआ है, इसको कुछ इस तरीके से बारीक कट किया हुआ है, पतला पतला लंबा लंबा कट कर लिया है। मैंने लहसुन लिया है 3 कली और आप चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने 2 हरी मिर्च ली हुई है, इनको भी कट कर लिया, और अदरक ली हुई है, इसको भी बारीक मैंने कट कर लिया। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना सकते हो। इधर मैंने कढ़ाई रख दी थी और इसमें डाल दिया था सरसों का ऑयल। ऑयल गर्म हो गया है तो इसमें हम डाल देते हैं 1/2 चम्मच मेथी, 1/2 चम्मच इसमें सौंफ डाल देते हैं। इसमें सौंफ का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ज़रूर डालें। और देखिए 1/4 चम्मच इसमें हम जीरा डाल देते हैं, और अब इसमें हम 1/2 चम्मच सरसों डाल देते हैं। काली सरसों है, आप राई भी डाल सकते हो, पीली सरसों भी डाल सकते हो। इन सबको हम थोड़ा सा भून लेते हैं। आप देख सकते हो कि अच्छे से भून गया। गैस का फ्लेम मैंने लो रखा है जिससे कि मसाले जले ना। और अब इसमें हम डाल देते हैं हींग, और ये सब हमें झटपट डालनी है क्योंकि ज़्यादा देर लगाएंगे तो ये जल जाएंगे। तो इसमें हम डाल देते हैं लहसुन, और डाल देते हैं प्याज और हरी मिर्च और अदरक। इन सबको हमें भूनना है, जिस तरीके से सब्जियों के लिए आप प्याज भूनते हो बस उसी तरीके से इसको भी भून लेना है। बराबर चलाते हुए भूनेंगे हम, जिससे कि ये तली में लगे ना और जले ना। आप देख सकते हो कि कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें ये भिंडी डाल देते हैं। तो देखिए मैंने डाल दिया, अब इसको हमें थोड़ा सा फ्राई करना है भिंडी को। देखिए इस तरीके से इसको फ्राई करना है, जिस तरीके से हम कर रहे हैं बस आप इसी तरीके से इसको फ्राई करें। अच्छे से भिंडी फ्राई हो गई है तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, जिससे कि ये झटपट पक जाए। तो मैंने 1/2 चम्मच नमक डाला हुआ है। इसको हम मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा इसको चला देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे पानी, तो मैंने 1/2 कप जितना पानी डाला हुआ है। तो देखिए कुछ इस तरीके से डाला हुआ है, और अब हमें इसे बिल्कुल भी नहीं चलाना है। यदि चला देंगे तो ये लिपलिपी हो जाएगी, इसको हमें चलाना बिल्कुल नहीं है। गैस का फ्लेम लो कर देना है, और लो करने के बाद इसको हम ढक कर के 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि इसको चलाएं ना। अब चलते हैं अगले प्रोसेस की ओर। तो एक बर्तन लेते हैं, इसमें हम डाल देते हैं बेसन। तो देखिए मैंने इसमें 1-2 चम्मच डाल दिया, 3 चम्मच बेसन डाल दिया। और अब हम क्या करते हैं कि इसमें लम्स जो हैं उनको कुछ इस तरीके से हटा देते हैं। आप चाहें तो स्ट्रेनर से भी छान सकते हो। और इसमें हम डाल देते हैं दही। तो देखिए मैंने दही लिया है, दही थोड़ा सा खट्टा है क्योंकि कढ़ी थोड़ी सी खट्टी ही अच्छी बनती है। और इसको अब हम मिक्स कर देते हैं। परफेक्ट मेजरमेंट है, आप विशेष ध्यान रखें तो आपकी कढ़ी बहुत बढ़िया बनेगी। और इसमें अब हम डाल देते हैं पानी। तो मैंने 3 चम्मच बेसन लिया हुआ है, तो 1 चम्मच मैंने इसमें दही डाल दिया, और 1 कटोरी पानी ये डाला, और 1 कटोरी पानी ये डाला, 2 कटोरी पानी डाल दिया। अभी हम 1 कटोरी पानी और डाल देते हैं। 3 कटोरी पानी डाला हुआ है और इसमें 1 कप दही डाला हुआ है जो खट्टा था। अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। इसमें हम डाल देते हैं 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं, इससे कलर भी अच्छा आएगा और खाने में भी चटपटी लगेगी। 1 चम्मच भर करके इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे, और 1/2 चम्मच इसमें हम नमक डाल देते हैं। थोड़ा सा इसमें हम गरम मसाला पाउडर डाल देते हैं, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा, अमेजिंग बनेगी, बहुत ही बढ़िया बनेगी। अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं, इसमें लम्स बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। इधर हम भिंडी को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो कि भिंडी अच्छे से पक गई है और इसमें लिपलिपापन बिल्कुल नहीं है। अब इसमें हम ये बटर डाल देते हैं, और अब हमें इसे बराबर चलाते हुए पकाना है। 1 मिनट के लिए रुकना नहीं है, बस बराबर चलाते हुए इसको हम पकाएंगे। इसको पकाने में हमें 7 से 8 मिनट समय लगेंगे। तो देखिए हमें कुछ इस तरीके से पकाना है इसको, और ये थोड़ी सी गाढ़ी होने लगी है।
और आप कैसी ग्रेवी पसंद करते हो उस हिसाब से इसमें पानी डाल सकते हो। तो देखिए मैंने थोड़ा इसमें पानी और डाल दिया, आधा कप, जिससे कि अच्छे से पक जाए और बढ़िया सी बने। तो बढ़िया सा कलर है आप देख सकते हो। तो इसको हम क्या करते हैं कि ढक कर के पकाएंगे। अच्छे से उबाल आ गई है, तो जब उबाल आ जाए तभी इसको ढक कर के पकाएं। और इसके पहले इसको बराबर चलाते रहें। गैस का फ्लेम लो कर दिया और इसको देखिए मैंने थोड़ा सा खुला रखा, पूरा ढक दिया और गैस का फ्लेम लो कर दिया। बीच बीच में इसको हम चेक करते रहेंगे। दोस्तों कढ़ी जितनी पकती है उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है, इसलिए इसको अच्छे से पकाएं और स्वाद इसका बढ़ जाएगा। और यदि आप कम पकाते हैं तो आपके लिए नुकसानदायक भी है। अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देते हैं। यदि आपके पास ये ना हो तो आप हरी धनिया भी डाल सकते हो, जिससे कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। वैसे कसूरी मेथी से भी इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। इसको अच्छे से उबाल लेते हैं एक दो बार। आप देख सकते हो कि अच्छे से ये उबल गई है। तो अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो बढ़िया सी भिंडी की कढ़ी बनकर तैयार है, बिल्कुल नई तरीके से है। आप आजकल भिंडी बहुत अच्छी आ रही है, इस तरीके से ये कढ़ी बना सकते हो। तो दोस्तों आपसे बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल बटन भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो कढ़ी तो मेरी बन गई है, लेकिन अब हमें इसमें देना है तड़का। तो तड़का के लिए तड़का पैन लिया, इसमें मैंने डाल दिया देसी घी। देसी घी का बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। इसमें डाल देते हैं हींग और चौथाई चम्मच इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल देते हैं, जिससे कि इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। तो आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया कलर आया है और यम्मी सी बढ़िया सी हमारी भिंडी की कढ़ी बनकर तैयार है। इस कढ़ी को आप रोटी के साथ, पूड़ी के साथ, पराठा के साथ, खासकर चावल के साथ तो बहुत ही बढ़िया लगती है, आप खा सकते हो। तो दोस्तों यदि ये हमारी कढ़ी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, उसमें एक भी पैसा नहीं लगता है। और इस कढ़ी को आप जब चाहें तब बना सकते हैं, सुबह बना सकते हो, शाम को बना सकते हो, डिनर में बना सकते हो। बहुत ही यम्मी बनी है, बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। और आजकल भिंडी की सब्जी तो बच्चों को बहुत प्रिय होती है, तो ये भिंडी की कढ़ी भी वो आराम से खा लेंगे और उनको बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों यदि ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।